प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। BA सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में दो प्रश्न पत्र रखे गए हैं, जिसमें दूसरे प्रश्न पत्र में भाषा और हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल है, जिसकी प्रथम इकाई भाषा से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, भाषा का विकास क्रम, विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा परिवार का क्या स्थान है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे आसान और बहुत ही साधारण सी परिभाषा है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी माध्यम भाषा कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कुछ विचार होते हैं जिन्हें वह अभिव्यक्त करना चाहता है। उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य को कुछ संकेतों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा वह अन्य को अपने विचार समझा सके। कुछ ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें वह बोल सके और दूसरों तक अपने विचारों को प्रेषित कर सके। और इसी आधार पर भाषा के दो भेद हो जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं ये लिखित भाषा से संबंधित है, क्योंकि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो लिखित भाषा के साक्ष्य ही हमें पुराने ग्रंथों में या पुस्तकों में मिल सकते हैं, मौखिक भाषा के नहीं। और एक बात कि भाषा ही वह माध्यम है जिससे विचारों की अभिव्यक्ति तो होती ही है, साथ ही साथ मनुष्य ने जो आज विकास किया है, जो समाज उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है, जो उन्नति की है, वो भाषा के बिना संभव ही नहीं थी। भाषा ने ही मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति को काल और स्थान की सीमा से मुक्त कर दिया है और उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं। तो भाषा बहुत ही साधारण परिभाषा मैंने आपको बताई कि विचारों को अभिव्यक्त करने का सरल और प्रभावी माध्यम है, और भाषा के दो भेद किए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह लिखित भाषा से संबंधित है। अब हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो संपूर्ण विश्व में जितनी भी सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, आकृतिमूलक और पारिवारिक। आकृतिमूलक से तात्पर्य है भाषा में जो वर्ण है, जो अक्षर है, उनकी बनावट, आकृति कैसी है, इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृतिमूलक वर्गीकरण कहलाता है। और पारिवारिक वर्गीकरण से तात्पर्य है कि कोई भी भाषा हो, उसकी उत्पत्ति किसी न किसी दूसरी भाषा से ही होती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति सीधे तौर पर अपभ्रंश से हुई है, किंतु हम अगर और गहराई में जाएं तो पाते हैं कि हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो ये एक परिवार बन जाता है, इनमें उत्पत्ति की दृष्टि से साम्य है। और इसी प्रकार परिवार किसे कहते हैं, परिवार के सदस्यों में खून का रिश्ता होता है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाषा परिवार में उन भाषाओं को रखते हैं जिनमें तात्विक दृष्टि से समानता हो, जिनमें उत्पत्ति की दृष्टि से समानता हो, तो उन भाषाओं को हम एक ही भाषा परिवार में रखेंगे। तो ये वर्गीकरण का दूसरा आधार है जिसे हम पारिवारिक वर्गीकरण कहते हैं। और इस पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर संपूर्ण विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन्हें 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। अब बात करते हैं हमारे भारत की, कि विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाएं तो 13 भाषा परिवारों में विभक्त है, किंतु भारत में इन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है।
अब हम देखते हैं ये चार भाषा परिवार कौन से हैं। तो देखिए, भारोपीय, द्राविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, इन चार भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं 73%, द्राविड़ 25%, आस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। तो अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि दो ही भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है। हालांकि वास्तव में चार भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है, जिसमें आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती बहुत ही कम मात्रा में बोली जाती है। तो दो मुख्य भाषा परिवार हमारे सामने रह जाते हैं, भारोपीय और द्राविड़। अब भारोपीय और द्राविड़ जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये इत्यादि भाषाएं द्राविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। हम द्राविड़ को छोड़ते हैं और भारोपीय भाषा परिवार पे आते हैं, क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, वो है हिंदी भाषा परिवार। और हिंदी भाषा परिवार का संबंध है भारोपीय भाषा परिवार से, इसलिए हम जो हमारे अध्ययन का विषय नहीं होगा हम उसे छोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि हम शुरू से देखते हैं तो भाषा के वर्गीकरण के दो आधार, आकृति मूलक और पारिवारिक। आकृति मूलक अध्ययन का विषय नहीं होने के कारण हमने इसे छोड़ दिया। अब हम लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण, जिसमें संपूर्ण विश्व की भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। और भारत की बात करें तो भारत में चार भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उन चार भाषा परिवारों में से भी हिंदी भाषा परिवार का संबंध भारोपीय से है, तो हम सीधे भारोपीय भाषा परिवार पे आते हैं। अब भारोपीय भाषा परिवार को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। भारोपीय से ये कतई नहीं समझना है कि इस भाषा परिवार की भाषाएं केवल भारत में बोली जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम से ही हमें समझ आ रहा है भारोपीय कि भारत और यूरोप के भी बहुत से देशों में इस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस आधार पर इस भारोपीय भाषा परिवार के भी दो भेद हो गए हैं, सतम और केंतुम। सतम संस्कृत के शतक का ही समानार्थी प्रतीत होता है। ऐसा कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उन 100 भाषाओं के समूह को सतम में रखा गया है, और केंतुम जो सेंचुरी का समानार्थी प्रतीत हो रहा है कि यूरोप में या यूरोपीय देशों में जो भाषाएं बोली जाती है उन 100 भाषाओं के समूह को केंतुम वर्ग में रखा गया है। तो हमारे भारोपीय भाषा परिवार के दो भेद हैं, सतम और केंतुम। सतम जो भारत से संबंधित है और केंतुम जो यूरोपीय देशों से संबंधित है। अब इस सतम के पुनः चार भेद किए गए हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्टाविक, आर्मेनी और अल्बानी। एक बार फिर से देखिए, सतम के चार भेद किए गए हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्टाविक, आर्मेनी और अल्बानी। इसमें से हम पुनः 3 को छोड़ते हुए भारत ईरानी पे आते हैं, क्योंकि हमारे अध्ययन का विषय भारत ईरानी समूह है। भारत ईरानी समूह के पुनः 3 भेद हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। भारत ईरानी समूह के 3 भेद किए गए हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। अब देखिए, ये हमारा मुख्य विषय आ गया है, भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका हमें अध्ययन करना है। ये जो हमने संक्षेप में थोड़ा देखा है, ये पृष्ठभूमि भी जाननी जरूरी है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि संपूर्ण विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन्हें वर्गीकरण के दो आधार हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक। पारिवारिक दृष्टि से विश्व की सभी भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। इन 13 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा परिवार है भारोपीय, जिसका हिंदी भाषा परिवार से संबंध स्थापित होता है।
इस भारोपीय भाषा परिवार के पुनः दो भेद किए गए हैं, सतम और केंतुम। सतम पर आते हैं, सतम के आगे चार भाग किए गए हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्टाविक, आर्मीनी और अल्बानी। इसमें हम भारत ईरानी समूह पर आते हैं। भारत ईरानी समूह में तीन शामिल हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएँ। भारतीय आर्य भाषाएँ अर्थात भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ, या यों कहें कि उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ भारतीय आर्य भाषाएँ कहलाती है। अब हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण काल समय के अनुसार किया गया है और भारतीय आर्य भाषाओं को तीन समूह में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। अर्थात भारतीय आर्य भाषाओं को तीन समूहों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो विभाजन किया गया है ये काल के अनुसार किया गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, उसके पश्चात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और तत्पश्चात आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। अब देखिए इस चार्ट के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, जिसका समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और जिसमें दो भाषाएँ शामिल हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं ये लिखित भाषा का है, न कि मौखिक भाषा का। और जब हम हमारे भारत में भाषा के विकास क्रम पर नज़र डालते हैं या भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो हमारी सबसे आदि भाषा कौन सी है? संस्कृत है। या लिखित भाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि लिखित भाषा का साक्ष्य कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीन पृष्ठ हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद जो हमारे चार वेद लिखे गए हैं, तो उन वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है। और यहीं से हमारी भाषा का विकास क्रम शुरू होता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है और जिसमें दो भाषाएं शामिल है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके पश्चात हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में तीन भाषाएं शामिल है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस प्रकार जहां प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दो भाषाएं शामिल थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में तीन भाषाएं शामिल है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन तीनों भाषाओं को प्राकृत नाम से भी जाना जाता है। जब हम तीनों ही भाषाओं को अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को ही प्राकृत के नाम से पुकारते हैं तो पाली का नाम हो जाएगा प्रथम प्राकृत और प्राकृत का नाम हो जाएगा द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश का नाम हो जाएगा तृतीय प्राकृत। प्राकृत से तात्पर्य है प्रकृति से ही उत्पन्न, जो सहज है, स्वाभाविक है। ये इसलिए कि जो संस्कृत थी वो मुख्य रूप से साहित्य की भाषा थी और उसके पश्चात पाली को प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा की संज्ञा प्राप्त हुई। ये लोगों के द्वारा व्यवहार में प्रयुक्त होने के कारण ही जन भाषा या देश भाषा कहलाई और इसी कारण जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समूह है, जिसमें तीन भाषाएँ पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है, इन तीनों को ही हम प्राकृत के नाम से भी पुकारते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि ये सहज थी, ये देश भाषा थी, ये जन भाषा थी, ये संस्कृत जैसी कठिन ना होकर उत्तरोत्तर सरलता की ओर अग्रसर हुई थी और इसी कारण ये प्राकृत नाम से भी जानी गई।
हालांकि ऐसा नहीं है कि ये देश भाषा या जन भाषा थी तो इसमें साहित्य की सृष्टि नहीं हुई। साहित्य की भी भरपूर रचना हुई है कालांतर में, किंतु शुरुआत ये जन भाषा के तौर पर प्रयुक्त होने के कारण ही ये जन भाषा या देश भाषा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, जो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं और इसकी जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति कौन सी है? अपभ्रंश। और प्रथम स्थिति कौन सी है? पाली। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम स्थिति अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इन सभी के भी बहुत सारे भेद हैं, पाली के भी हैं, प्राकृत के भी हैं, अपभ्रंश के। इन तीनों आर्य भाषाओं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के भी आगे अनेकानेक भेद हैं। हम सबका विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, हालांकि अपभ्रंश के जो विविध भेद हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि अपभ्रंश के विविध भेदों से ही जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है। इसलिए हम अपभ्रंश के भेदों की चर्चा अवश्य करेंगे। बाकी पाली और प्राकृत के जो विभिन्न भेद हैं उसकी गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं है। तो अपभ्रंश से ही, अपभ्रंश के विविध रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जो कि 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। इसलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अब 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय प्रारंभ हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं है कि 1000 ईस्वी के पश्चात अपभ्रंश का प्रयोग बिल्कुल ही बंद हो गया था। अपभ्रंश की रचनाएं हमें 1200 ईस्वी तक भी मिल जाती है, और ये जो भाषा का वर्गीकरण किया है कालक्रम के अनुसार, इसमें भी 100-200 वर्षों का अंतर विभिन्न विद्वानों ने बताया है। अलग अलग पुस्तकों में हमें अलग अलग ये मिल सकता है। ये इसलिए है क्योंकि भाषा कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि इसको रात को छोड़ो और सुबह नई भाषा को पकड़ लो। भाषा का जो विकास है वो एक अनवरत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, नदी का प्रवाह है, जिसमें जो परिवर्तन होने होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा की उत्पत्ति कोई रातों रात अचानक ही नहीं होती, बल्कि कई वर्षों के प्रयासों से या बिना प्रयासों के भी वो परिवर्तन होते चले जाते हैं। भाषा कठिन से सरल होती चली जाती है। भाषा में परिवर्तन क्यों आते हैं, इसके पीछे भी अनेकानेक कारण होते हैं, किंतु हमें ये ध्यान रखना है कि भाषा में जो भी परिवर्तन होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वह अचानक से नहीं होती है, अपितु धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ होता है, और इसी क्रम में 100-200 वर्षों के पश्चात ही हमें एक नई भाषा के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें 1200 ईस्वी 1300 ईस्वी तक अपभ्रंश की रचनाएं मिलती है, या अपभ्रंश का जो समय दिया गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, उसमें प्राकृत भाषा की रचनाएं मिलती है, तो हम ये प्रश्न नहीं लगा सकते कि ये तो अपभ्रंश का समय था, इसमें प्राकृत की रचनाएं क्यों मिल रही है। अब तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय शुरू हो गया है 1000 ईस्वी से, तो अपभ्रंश की रचनाएँ क्यों मिल रही है। संस्कृत, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, आज भी बहुत से विद्वान हैं जो संस्कृत में भी रचनाएं लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाषा, कोई भी भाषा है, वो पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, उसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते हुए एक नई भाषा विकसित हो जाती है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही, हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। एक नज़र फिर से हम हमारा इस संपूर्ण वीडियो में जो हमने चर्चा की है उस पर डाल लेते हैं कि भाषा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, आकृतिमूलक और पारिवारिक। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, जिसमें से भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे काम का, या यूँ कहें कि हिंदी भाषा परिवार का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है, इसलिए हम 3 भाषा परिवारों को छोड़ते हुए भारोपीय भाषा परिवार पे आते हैं। भारोपीय भाषा परिवार के पुनः 2 भेद हैं, सतम और केंतुम। सतम के भी 4 भेद किए गए हैं,
जिसमें से हमारे काम का है भारत ईरानी समूह। भारत ईरानी समूह के तीन भेद किए गए हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाएं अर्थात उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती है। और भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण विद्वानों के द्वारा कालक्रम के अनुसार किया गया है और इन्हें तीन भागों में विभक्त किया गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को देखते हैं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में तीन भाषाएं शामिल हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और इन तीनों ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को प्राकृत नाम से भी जानते हैं। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम स्थिति अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अपभ्रंश के किन किन भेदों से या अपभ्रंश के जो विभिन्न रूप विभिन्न जनपदों में प्रचलित थे उन रूपों से किस प्रकार कौन कौन से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ और उन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से कौन सी भाषाएं हमारे हिंदी भाषा परिवार में शामिल है या हिंदी भाषा परिवार हम किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।